देनी है। प्रश्न क्रमांक 3, श्री गोविंद प्रसाद। गोविंद प्रसाद बोलिए। प्रश्न संख्या 127। चलो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में रक्त की आपूर्ति जिला अस्पताल झालावाड़ से की जाती है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार ब्लड स्टोरेज यूनिट में वार्षिक खपत 2000 यूनिट तक की खपत होने पर नवीन ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है। वर्तमान में सीएचसी मनोर थाना में वार्षिक खपत 2000 यूनिट से कम होने के कारण ब्लड बैंक की स्थापना किया जाना चल रहा है। वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार की ट्रॉमा गाइडलाइंस के अनुसार घायल व्यक्तियों को किन्हीं भी 50 किलोमीटर से अधिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े, इसी क्रम में प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर स्थापित है। ट्रॉमा गाइडलाइंस एवं गुण के अनुसार वित्तीय प्रावधान होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जा सकेगा। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना जिला झालावाड़ में संचालित राजकीय चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक एवं नॉन गेजेटेड कैडर की स्वीकृति कार्यकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट ब एवं स पर संलग्न है। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीसीपी के अंतर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 1265 रिक्त पदों की भर्ती की कार्रवाई प्रस्तावित है एवं चिकित्सा अधिकारी दंत के रिक्त पदों पर भरने के लिए 172 पदों की रिक्विजिशन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को भिजवाई जा चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8750, फार्मासिस्ट के 3076, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4847, सहायक रेडियोग्राफर के 1178, लैब टेक्नीशियन के 2190 एवं डेंटल टेक्नीशियन की 151 पदों पर शिफू के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिक का रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार किया जा सकेगा। खंड 3, कस्बा मनोर थाना पंचायत मनोर थाना जिला झालावाड़ में वर्तमान में 3 शैयाओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैयाओं का वर्ष 2022 में 72.18% शैयाओं की उपयोगिता BOR रही है, इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना की शैयाओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मनोर थाना CHC जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसमें 150 गांव इसके अंतर्गत आते हैं और 4 PSC इसके अंतर्गत आती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसको उप जिला अस्पताल बनाने की घोषणा करें या इसको और क्या क्या सुविधाएं आप दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत दयनीय स्थिति वहाँ की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मंत्री महोदय कि आप इसको उप जिला अस्पताल घोषणा करने की कृपा करें। आप प्रश्न पूछिए। चलिए। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ब्लड बैंक के लिए निवेदन किया था अपने प्रश्न में। हमारा जो नियम है 2000 यूनिट प्रति वर्ष अगर कंजम्पशन होता है तो ब्लड बैंक स्थापित किया जाता है। यहाँ पर लगभग प्रति वर्ष जो है 50 यूनिट से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो अगर ब्लड बैंक खोलेंगे तो वो ब्लड जो है आपका ख़राब हो जाएगा। पास ही में अखलेरा है 40 किलोमीटर CHC, वहाँ पर इसको जो है वहाँ पर सब ये ब्लड स्टोरेज की सुविधाएँ हैं।
ट्रॉमा सेंटर के लिए भी आपने बोला था, तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में बहुत ही सेपरेट बिल्डिंग और अल्ट्रा मॉडर्न आपका ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, तो वैसा आपके लिए आपका उपयोग ज़्यादा रहेगा जिसके अंदर सब मशीनें, बजाय कि एक छोटा आपके खोला जाए। आपकी जो वेकेंट पोस्ट है मैंने गूगल मैप से भी देखा, आप बिल्कुल एक कोने में हैं, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में हैं, तो आपके जो है जो भर्तियां जो हैं आपके जो जैसे होती है आपका आपके जो रिक्त पद जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे ताकि आपकी जो एफिशिएंसी हॉस्पिटल की बढ़े। एम्बुलेंसेस जो है आपकी 104 108 में कोई भी आपकी समस्या हो उसका भी समाधान किया जाएगा। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक